दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दशहरे से पहले ग्रैप 1 के बाद ग्रैप 2 लागू कर दिया है, जिसके तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है और यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी को अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी मानी जाती है। 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी होती है और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। सफर इंडिया के दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 आया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस वजह से ग्रैप 2 भी अब लागू कर दिया गया है, जिसके तहत हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल या रेस्टोरेंट्स में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा, अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए पार्किंग की फीस को बढ़ा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के आनंद विहार, हसनपुर डिपो, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के आसपास की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां धुंध के चलते कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं नेहरू पार्क और 3 मूर्ति मार्ग के आसपास की तस्वीरों को भी आप देख लीजिए, जहां पूरी तरह से धुंध छाई हुई नजर आ रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ का दृश्य भी धुंधला नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर अब उन्हें महसूस होने लगा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अहम बैठक बुलाई। जो विभागों के साथ बैठक की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300+ गया है। उसमें सादीपुर, ITO, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया बिहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग, इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल MCD के DC हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहां पर लोकल सोर्सेज का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ, और वहां पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा